अच्छा, अब दो के साथ तीसरा ज्वाइन लगाना है, तो तीसरे के लिए आप क्या करेंगे? मैंने कहा एक और टेबल यूज करना है, तो मैं दोबारा आया और मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया? अब मेरे पास जो दूसरा टेबल है, नहीं तो मैंने यहाँ से क्या कर, तो यहाँ पे आके सिंपल आपने फ्रॉम पहले इनर ज्वाइन लगाया यहाँ पर, इनर ज्वाइन और इनर ज्वाइन किस टेबल पे लगेगा? मैंने कहा यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ब्रेड चाहिए, ब्रेड तो है, मैंने यहाँ पे बी ब्रेड दिया, बी दिया, वापसी वापस बी आ गए आप यहाँ दिया, पर, और यहाँ कॉमा बी कॉमा डॉट, डॉट एक दो ठीक है, यहाँ से बी डॉट, मैंने कहा बेड का नाम, बेड का नाम तो खैर नहीं आता, ठीक है, तो नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बी डॉट बेड आईडी, आईडी और कौन से डिपार्टमेंट में ये है, तो हम यहाँ से बी डॉट, ठीक है, ये बी डॉट, यहाँ से मैंने कहा बेड आईडी बेड आईडी और कौन से डिपार्टमेंट का है वो भी निकाल लेते हैं, ताकि ये पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट की फॉरेन की ले ली। सही अब है। वापस जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इनर ज्वाइन के बाद ऑन, और अब यहाँ उधर पर अब बताया क्या जाएगा? अब पहले आपने क्या करा, डॉक्टर की आईडी, तो डी डॉट, यहाँ से डी डॉट, डॉक्टर की बेड मैंने यहाँ से आईडी इज इक्वल्स टू बी डॉट, यहाँ से आपकी डॉक्टर की बी आईडी या डॉक्टर फॉरन, आईडी दोनों फॉरेन की, आपने यहाँ डॉक्टर से की रन आईडी किया, बेड की नहीं आई, मैं भी बेड की हाँ सोच सही रहा सही था। सही, ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। बहुत हार्ड। तो ये मेरे पास यहाँ देख लीजिए कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन भी आ गई, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे स्टाफ कांटेक्ट बंदर नंबर आ गया, बेड डॉक्टर की आईडी आ गई, और बेड का कौन से डिपार्टमेंट में है, तो आप यहाँ से उसको, आप आईडी फेच करवा लिए तो बहुत आसानी आप नाम भी निकाल सकते हैं।